इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सर, इस मामले पर आज जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की अगर बात करें तो किस तरह से कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले पर आपके आप किन के तरफ से दलील दे रहे थे? जो कोर्ट का मामला शुरू हुआ है वो इस मामले से लेकर के जब 2 सितंबर को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था पहले से, और इसके साथ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफिडेविट भी दिया था, कोर्ट ने कमेंट भी पास किया था इस चीज़ को लेकर के कि अब कोई भी व्यक्ति अलिस्ट हो उसके ऊपर भी उसका भी घर आप नहीं गिरा सकते, साथ में यदि कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड है, मान लो उसको सजा भी पड़ गई, तो उसका भी आप घर नहीं गिरा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब स्टेट गवर्नमेंट को पता था और आफ्टर नोटिस मैटर है, तो फिर भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में भीलवाड़ा में राजस्थान की सरकार ने जाकर के परसों किसी का घर गिरा दिया। इस चीज़ को लेकर के हम सारे लोग पहुंचे कि लॉर्डशिप आज ये मैटर लिस्टेड ही है, पर इसके साथ में यह भी आवश्यक हो गया कि आपके ऑर्डिनेंसों का कोई भी नहीं मानता है। तो कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के सीधा सीधा बोला कि 1 अक्टूबर तक, जब तक नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, तब तक कहीं भी पूरे देश में बुलडोजर नहीं चलेगा, वह नंबर वन। साथ में यदि कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे, वो कोर्ट में एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी एक प्रोसेस है कोर्ट का, हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ में पॉइंट नंबर इसका 3 था कि यदि रेड़ी पटरी और रेलवे ट्रैक वगैरह में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं तो उसके लिए एक अलग चीज़ें हैं सारी, तो उसके लिए अलग बोला गया है, कोर्ट ने उसको अलग से बोला है। साथ में इसके पॉइंट नंबर 4 कि यदि इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि हमारे खिलाफ में पूरे देश में एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, हम लोगों ने बोला कि लॉर्डशिप यदि ये पूरे जुडिशरी से प्रोसेस से आए होते तो कोई भी इनके खिलाफ में कुछ भी ना बोलता, ये एक ही दिन में FIR लॉज होता है, हम लाइफ टाइम से कई सालों से प्रॉपर्टीज में रहे चले आ रहे हैं, वहाँ पर FIR या कोई भी एलिगेशंस लगा करके घर को गिरा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ये बिना किस जस्टिस में। इसको लेकर के कोर्ट ने बोला कि हम आप गवर्नमेंट को कि हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, और उन्होंने कंप्लीट तरीके से तब तक के लिए बैन लगा दिया। पर साथ में मैं किसके तरफ से था, यह आपका एक प्रश्न था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं प्रेजेंट हुआ था, और कांग्रेस पार्टी का आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू होम अफेयर्स था, ये हमारी पिटिशन थी। उसमें हमने जो 3 मेन प्रेयर किया था, हमने पूरे भारत देश के लगभग 11 जो राज्य हैं जो BJP शासित और अन्य भी हो सकते हैं, जहाँ पर बहुतायत तरीके से बुलडोजर को यूज किया गया, मिसयूज किया गया और बिना लीगल प्रोसेस को पूरा किए हुए, जिसमें किसी व्यक्ति का जो पर्सनल लॉ है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जो इसके साथ में जो इसके प्राइवेट राइट्स दिए गए हैं, इसी के साथ में जो रिहैबिलिटेशन के पावर हैं, कंपनसेशन के पावर हैं, CRPC की जो कानूनी प्रोसेस है यानी न्याय संहिता की, उन सारे को वायलेट करते हुए इन सारे स्टेट के DMO के माध्यम से सारे सबके घर गिराए गए, उनकी पूरी लिस्ट के साथ में मैंने बोला इन DMO के ऊपर आप FIR दर्ज करने के लॉस डायरेक्शन दीजिए। साथ ही साथ में मैंने यह भी बोला कि इन DMO से कंपनसेशन जो एलिस्ट पर्सन हैं उनकी फैमिली या जो भी उनके घर के लोग हैं उनको कंपनसेशन दिलाइए। साथ ही साथ में मैंने यह भी बोला कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो इसमें जितनी JCB यूज की गई हैं उनको भी फ्रीज किया जाए। तो इस मामले में अगली तारीख 1 अक्टूबर की तय कर दी गई है, 1 अक्टूबर तक के लिए सारी चीज़ें आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक जो बड़ा फैसला है ये सुनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में अब 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अब देखना लाजमी होगा कि बुलडोजर मामले में किस तरह से 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।